चलो सांस लंबे भर लो, नहीं तो मरोगे। जो योग नहीं करेगा वो मरेगा, और जो योग करेगा वो तरेगा। न मरिष्यति न मरिष्यति, वो मरेगा नहीं। आभि भी सर्वो वो तत्र जीवति घोर यत्र इदम क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायका। न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु, वो मरेगा नहीं। और कैसे मरते हैं लोग, मरने वाली बातें बताता हूं। और मरते हैं बीपी बढ़ने से, बीपी बढ़ गया 200 हो गया, ऊपर का नीचे का हो गया 125, और फटकी दिमाग की नस फटकी, हार्ट की नस फटकी, किडनी की नस, ये हो गया काम बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी मौतें हुई हैं जिनको देख करके सुन करके मैंने आज का विषय चुना है। महाराष्ट्र की एक बहन ने फोन किया, बोले स्वामी जी मेरे परिवार को पूर्व को कोरोना हुआ था, हमने योग किया, कोरोना खाया, हम ठीक हो गए, लेकिन मेरे पति को हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। आपको सुन करके ताजा हो जाते हैं, डॉक्टर आपसे सीखते हैं, इतना मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ाया। ये दिया हॉस्पिटल वालों ने ऐसा उसको इंजेक्शन लगाया, उसका हार्ट फेल कर दिया और हमारा पति मर गया। वो बेचारी रोए रोए। कल ही फोन आया राजेश्वरी जो तमिलनाडु की प्रभारी अपनी, उसकी बहन योग की ट्रेनिंग ले रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक उसकी थोड़ी शुगर डाउन हुई, डॉक्टरों ने ऐसा उसको ग्लूकोज चढ़ाया 800 शुगर कर दिया, वहीं मार दिया हॉस्पिटल के अंदर, 800 शुगर कर दिया हॉस्पिटल में मार दिया। मैं कह रहा था ना 5-10-20 लाख का बिल बना देते हैं और मिलती है डेड बॉडी। कई बार कुछ लोग थोड़ी सी असावधानी में करते। अब देखो इसलिए मैं कहता हूं योगी होकर के कर्म योगी बना। अपना कितना अच्छा बालक था, मैंने सेवा करने वाले पूरे देश में दुनिया में लोग देखे, उसमें एक अनिष्ट और सेवानिष्ठ। कल उसकी अंत्येष्टि करते करते मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मैं योगी और सन्यासी होकर के भी इतना उस बालक के प्रति करुणा की, बोलते बोलते कम से कम 20 बार मेरा घरा रोता हो, योगेश इतना अच्छा बालक, उम्र 40 साल भी नहीं हुई, 5 साल का बच्चा है, 35 साल के करीब की उसकी धर्म पत्नी, और सारा परिवार बिलखता रोता, पुरुषार्थ पूरा करता था, सेवा पूरी करता था, लेकिन योग में ध्यान नहीं दिया। मैं अपने शिष्यों को भी बोलता हूँ, बेटा सेवा खूब करो, साधना खूब करो, पढ़ाई खूब करो, कमाई खूब करो, खूब बड़े बड़े काम करो, लेकिन योग मत छोड़ो। हार्ट अटैक हुआ रात को 1:30 बजे, बस चारपाई से उठा और बस पड़ गया। उठाया तो एक क्षण में शरीर ठंडा, कुछ था ही नहीं कि आगे कुछ किया जा सके। ऐसे होती है मौतें, इसलिए मैं आज इस विषय को लेकर के बोल रहा हूं और कुछ कह रहा हूं। भस्त्रिका प्राणायाम मैं कहता हूं जवानों को ऐसे 5 मिनट करना चाहिए, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं तो करीब 1.5 किलो पसीना बहा चुका हूं। ये जवानों के लिए है जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको हर्निया, जिनको कमर में दर्द है, जिनको कमजोर, उनके लिए नहीं, लेकिन जो जवान है बच्चे हैं उनको ऐसे करना है 5 मिनट तक। ऐसे जो बच्चे कर लेंगे उनको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। एक और बड़ी बात कह रहा हूं, जरा करो सब, रुक क्यों गए, कपाल बातें नहीं करना, भस्त्रिका करो पहले। मेरे साथ साथ तो कर लेते, और जैसे मैंने छोड़ा तो भी छोड़ देते, मुझे बोलना भी पड़ता है क्या क्या करूं। सुनो अगली बात बोल रहा, एक मैंने कल
पतंजलि का जो अपना रिसर्च सेंटर है उसमें बैठ करके सारे मशीन लगा करके सारे इंडिया टीवी के माध्यम से फिर आस्था पर भी उसको टेलीकास्ट किया, हमने सारे देश ने देखा। तीन खास बात बताना चाहता हूं मैं, वहां साइंटिफिक सारे इक्विपमेंट से लगा करके और साइंटिफिक एनालिसिस के साथ योग करने के लिए बैठा तो घड़ी नहीं थी। तो मैंने ऐसे लड़के को बोला, मैंने कहा तुम पांच पांच लड़के खड़े रहते हो, ये घड़ी नहीं रख सकते तुम? तो मेरे से जो दीपक है अपना आस्था का एडिटर, उस लड़के ने बोला, स्वामी जी आपने जोर से बोला इस बात को, आपका तो बीपी 10 बढ़ गया ऊपर। मैंने कहा अरे जोर से बोलने से भी बीपी बढ़ जाता, सारी मशीन लगी हुई। तो मैंने लास्ट में एक गुस्सा करने की एक्टिंग करके देखी, ये फर्स्ट टाइम आज तक मैंने खूब मेडिकल साइंस को इतना पढ़ा है, मैंने डॉक्टरों को पढ़ा है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बोलते हैं, स्वामी जी हम जो एमबीबीएस की पढ़ाई एमडी की पढ़ाई कर रहे थे वो उस समय की सारी बातें, एक तो नहीं सैकड़ों हजार, मैंने 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की मीटिंग्स ली, इंडिया में भी ली है, इंडिया के बाहर मैंने यूके में, यूएसए में, कनाडा में, अफ्रीका में, सब जगह डॉक्टर्स के साथ मैंने उनकी क्लासें ली और उन्होंने माना है कि योग एक अल्टीमेट।